हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7 बज चुके हैं, हम लोग उठ गए और ये सुबह सुबह प्रधान का लड़का मेरे घर पे आया है। कितने बजे उठा था? 5। ये 5 बजे उठ के फिर घूमता रहता है, हाथ में बॉल थी, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है। गांव में आग से कितना आनंद ही कुछ और है दोस्तों, चूल्हे पे। तेरा नाम क्या है? सार्थक। और सुना भाई सार्थक, क्या हाल चाल? तू इतना सार्थक क्यों है? वहां से लकड़ी लगा यार थोड़ी सी। छोटी 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 पागल लिए वाले छोटी छोटी बड़ी उठा के ला रहा है उधर। यहाँ पे चूल्हे के पास इतना धुआं हो रखा है। ये जो लड़का कह रहा है, जब मेरी मम्मी की शादी थी तब बहुत धुआं था। मैंने कहा यार तेरे को कैसे पता, तू तो पैदा भी नहीं होता था उस टाइम जब मम्मी की शादी हुई थी। मतलब मैंने वीडियो में देखा था, मतलब एल्बम में देखा। एल्बम में धुआं कहाँ से आया? मम्मी ने तो आंख बंद कर रही, रो रही होगी उस टाइम जब शादी हो रही, विदाई हो रही होगी तब रो रही होगी। पता भी धुआं चल रहा है जैसे ये नहीं ऐसे दिखे, मतलब कुछ भी है। क्या नो भाई, तई कहा था पिछड़े क्यों मशीन? अच्छा लाइट आई रे है। हाँ बेटे, मशीन नाम के छोटी से इज्जत प्रधान के बड़ी से तब से जी। हाँ डोबाल जी, किधर जा रहे यार? छुप के जा रहे, मतलब छुप के जा रहे? अरे डर रहे क्या इसमें? हम लोग प्लान बना रहे आज उधर जाने का। और दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं छोटी, हम लोग इसमें जाएंगे सब लोग थोड़ी देर में, खाना खाने के बाद बर्फ लाएंगे, आज बर्फ का मजा लेंगे। और मेरे साथ पूरी टीम है, 2 लड़के हैं, 2-4 लड़के और होंगे, फिर लड़के होंगे बहुत सारे होंगे। और ये हमारे गाँव की हीरोइन है। ओ माय गॉड, हाय ऋतिक, व्हाट्स अप मैन। तो बता भाई कितने बजाएंगे? हाँ प्लान बताओ। 10 बजे ना? अभी टाइम क्या हुआ? 9:45। का ये तो हैंडसम बॉय यार, क्यों नहीं आएगा? ये हर जगह के लिए फिट बैठता है, ये तो लगता है ऋतिक रोशन के कॉपी लगता है। अरे वाह क्या फेंकी मैंने। अरे जहाँ तुमको सही लगेगा ना वहीं चल देंगे, बस मैं चलना है किसी भी कंडीशन में। कल परसों भागना वापिस आया, बर्फ खा रहा, 3-4 साल से बर्फ ही नहीं खा रखा। जिस टाइम तू बोल रही नो 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 है, सही है यार तेरा भी। हाँ बल्कि उसने डाला था स्टेटस शिवम ने, मोती हूँ। तब मेरे दिमाग में आया घर जाऊंगा तो फिर ले आएंगे। ओ अंको वो भी आएगी, उसको मैं ले आऊंगा, क्यों नहीं आएगी यार, सब जाएंगे। बोल तो रही थी हम जाएंगे। ठीक है रेडी रहो, ठीक है। 3 मिनट तूने मेरे बर्बाद कर दिए। भाग कहाँ रही है, मुंह खोलो जरा, बकवास कर रही तब से हम बनाएंगे ब्लॉग, कैमरा खोला नहीं भाग जाती है। मटन खाएगा, चिकन खाएगा, या बकरी खाएगा, बकरा खाएगा, मुर्गी खाएगा, क्या खाएगा? मुर्गी। मुर्गी खाएगा? अरे वाह, चल फिर हम मुर्गी ले आते नीचे से दुकान से। पैसा है? पैसा पैसा है? दिखा जरा कहाँ है पैसा? ये कौन सा पैसा होता है? पैसा चाहिए भाई, पैसा आता मुर्गी आएगी, समझ गया? कहाँ है? नीचे है दुकान में, नीचे गोरखों के। अभी चौमिन भी आ गई है मेरे पास, और इसके लिए नहीं अंदर आएगा, खुद ये मिर्च वाला तो नहीं है ना? ज्यादा मिर्च वाला तो नहीं है ना? नहीं, चटनी मिर्च वाली है, सॉस मीठा होता है, कौन सा मीठा था? सॉस ले। तीनों खेल रहे, पापा बेटी और बेटा आपस में खेलने में लग रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। जीता कौन है? जीता कौन है? पापा जीत रहे। आप तो आखिर बाप होता है। तू ना तो तू मैं खेलो, तू ना आऊं खेलो तो। ओ बाउटिया गुत्ती खेल ले, तू ये सुईटा छोड़ दे और चलो सब लोग। ये बाबा तेरे को पता है मैं 9 तारीख को आया, माँ की कसम मुंह नहीं धो रखा। सेम सेम सेम। टांगी
इधर देखो, कम से कम 25 साल बाद खेल रहा हूँ और सबसे लास्ट आया हूँ। मेरी बारी भी तो मेरी बारी नहीं आ रही यार, ये ध्यान ना नहीं है। दर्शक हमारे पहुंचे हैं अभी यहाँ मैच देखने के लिए। मैंने 3 साल खेली लेकिन एक भी नहीं जीता। दीदी और तेरे को चाचा तेरे को पार ढूंढ रहा है। बुला इनको सबको, ये इनके लिए चाचा सो रहा है। फिर पासवान है, फिर पासवान है। अच्छा ठीक है, फिर शाम को आप तो बर्फ लेके आते प्रचार में। अच्छा शाम को प्रचार में कहाँ जा रहे? जहाँ कांग्रेस को वोट होंगे उनको बीजेपी में बदलेंगे। कैसे होगा? मेरी पूरी टीम रेडी है दोस्त बर्फ के लिए। अरे स्टार्ट करो यार, धक्का क्यों मार रहे? बीजेपी वालों ने तेल नहीं दिया क्या? हद हो गई यार, स्टार्ट करो, तेल लो राशन लो तभी तो प्रचार होगा। अरे वाह, निश आ रही है? ओए तो गाइस अपनी पूरी टीम रेडी है, हम लोग जा रहे हैं बर्फ के लिए। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, अभी दिन के लगभग 12:15 बज चुके हैं। 2 घंटे ऊपर जाने में लगेंगे, कम से कम 1 घंटे वापस आने में लगेंगे। ये मेरी बेटी है, ये मेरी नानी है और बड़ी मुश्किल से मैंने इनको तैयार करा हुआ है। काफी समय के बाद हम लोग जा रहे हैं साथ में। क्या बात कर रही है, मेरा प्लान था ये 4 दिन से पहले का। जी मैं देहरादून से स्पेशली आया हूँ इसलिए कि बर्फ आएंगे और गिरेगी। हमारा प्लान था, बर्फ बहुत दूर है, बर्फ ज्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर दूर है, इतना तो चलता रहता है। चढ़ाई है, खुद डंगर चाटते हैं, यार बर्फ के लिए जा रहे। थैले वैले किसी ने लाए? दो ही थैले दिख रहे मेरे को, और इतने सारे लोग डंडे लेके जा रहे खाली, बताओ मतलब बर्फ को। अच्छा दीदी कौन से कर रहा है? दीदी ने तो अपने उससे करा होगा यार, जैकेट और ये चोला। ऐसे बहुत ठंड लगने वाली है लेकिन अब गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि इधर धूप है, उस साइड छाया है अभी, तो वह भी हो सकता है कि बैलेंस बना रहे। हीरोइनिया देख रही है बागिया। ये ऐसी लड़की है जिसने अभी तक मैक्सिमम ये मेरी 30-40 वीडियो में होगी ये लड़की, लेकिन अभी तक इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। बड़ी शर्म की बात है मेरे लिए, खासकर बेइज्जती नहीं करा, रियलिटी है। तू ना सब्सक्राइब क्यों नहीं करा भाई? है सब्सक्राइब करने के लिए पैसे लगेगी क्या? मैं बहुत पिटूंगा, मैं मेरे को गुस्सा आ रहा है और सब दोस्तों से भी करा दूंगी। पकड़ भाई डंडा गाड़ी दे इधर मेरे पास, काम थोड़ा तो उधर रहेगा।